हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सिटी किचन। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी और डाइजेस्टिव ड्रिंक जलजीरा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। जलजीरा बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम इमली, 100 ग्राम पुदीने के पत्ते, आधा छोटा चम्मच हींग, चीनी स्वादानुसार, सफ़ेद नमक, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और हरी मिर्च। जलजीरा बनाने के लिए हमने इमली को रात भर पानी में भिगो दिया था और अब इसे छानकर इसका पल्प तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम एक मिक्सी के जार में पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड करेंगे और इसे छान लेंगे। ये देखिए, हमने पुदीना और हरी मिर्च को पीसकर इसका ये हरा पानी छानकर तैयार कर लिया है। अब हम इसका जलजीरा तैयार करेंगे। जलजीरा बनाने के लिए मैंने एक बड़ा कांच का बोल लिया है। इसमें हम डाल देंगे तैयार हरा पानी, इमली का पल्प, अब इसमें डालेंगे सफ़ेद नमक, काला नमक, काली मिर्च पाउडर। इसमें मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। हींग ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। भुना हुआ जीरा, दो बड़े चम्मच चीनी, चीनी आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम डाल देंगे सादा पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। ये लगभग मैंने 1.5 लीटर पानी तैयार किया है। आप इसे मिक्स करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने खट्टा मीठा जलजीरा तैयार किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। जलजीरा बनकर तैयार है। अब जलजीरे को सर्व करने के लिए हम ग्लासेस में डालेंगे। फ्रेंड्स, तैयार जलजीरे को हमने सर्व करने के लिए ग्लासेस में डाला है। इसे गार्निश किया है पुदीने की पत्तियों से और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी बूंदी और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तैयार जलजीरे को आप फ्रिज में रखें, मेहमानों के आने पर ठंडा ठंडा एपिटाइज़र के रूप में सर्व करें। ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस ड्रिंक है। ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि इमली और पुदीना दोनों पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस पानी को गोलगप्पे में डालकर भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। आप भी इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।